मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कालिम्पोंग। ये हमारा लास्ट दिन है कालिम्पोंग में और जस्ट ये बाहरी होटल है हमारा। होटल से बाहर आ गए और गाड़ी में बैठ चुके क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। अभी बज रहे 9:10 और अभी हमें जाना है कर्शियंग। ये गाड़ी टोटली बुक कर लिया है हमने, 5000 लिया है और पूरा कर्शियंग में घूमेंगे, घूम के एनजीओ में ड्रॉप। कितना बजे ड्रॉप होगा वो मुझे पता नहीं है अब तक। पहले तो घूम लूँ उसके बाद घर जाने का सोचूंगा। आज लास्ट दिन है हमारे घूमने का, कल से फिर नॉर्मल लाइफ चालू। और क्या, बस सब लोग रेडी होके आ गए, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। अभी यहाँ से जाएंगे पूरा कार्शियंग, उसका टाइम लगता है लगभग से 2.5 घंटा, 67 या 70 किलोमीटर के आसपास ये टोटल डिस्टेंस पड़ता है। तो चलिए हमारे साथ आगे, जो देखेंगे हम लोग वही आपको भी दिखाएंगे। क्या कर सकते, टाइम कम है, अगर ज़्यादा टाइम मिलता तो हम लोग और भी जगह जा सकते थे। लगभग 3.5 घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग पहुँचे कर्शियंग टाउन। तो मेरे पीछे वो ऊपर वो देख रहा है वही कर्शियंग टाउन है। बहुत ही धूप है इसकी वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और उस तरफ जाऊँगा तो कैमरे में मैं आऊँगा नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। तो क्या है कि अभी हम लोग एक रुके हैं एक जगह पर, यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा है, नीचे की तरफ छोटे छोटे गाँव दिख रहे हैं, चाय का बगान है, टी गार्डन बेसिकली। यहाँ पर तो रुके, व्यू अच्छा है, सब लोग पिक्चर उक्चर लेने के लिए रुके। गाड़ी हमारा ये रहा, सुबह से चले थे, उसके बाद कहीं पर खाने के लिए भी नहीं रुके। हम लोग लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, अभी बज रहा है 1:45, मतलब 1 बजने में अभी तक 15 मिनट बाकी है। कंटिन्यू 9 बजे से 3.5 घंटे से ऊपर हो गया, 3 घंटे मैंने गलत बोल दिया, 3.5 घंटे से ऊपर हो गया हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। आइए मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये है एक स्पॉट, वहाँ पे बहुत सारे गाड़ी खड़ा हुआ है और ये पूरा चाय का बगान है, पूरा का पूरा टी गार्डन है। उस साइड में वो सब जंगल है लेकिन ये सामने का टी गार्डन है, वहीं पर भी जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ये है रास्ता, उधर वो टॉप कर्शियंग का छोटा छोटा वो टाउन, ऊपर में भी वो टाउन है। इससे पहले भी मैं दार्जिलिंग आ चुका हूँ लेकिन ये वाले रास्ते पे आया नहीं था। दार्जिलिंग से अगर आप जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी वापस जाते हो तो कर्शियंग होके जाता है, लेकिन ये वाला रास्ता नहीं, दूसरा एक रास्ता जो ऊपर की तरफ से जाता है, एक अलग रास्ता है जहाँ अब हम घूमने आए हैं। नई जगह है, नया जगह देखने के लिए तो मन तरसता ही है सबका। बस अभी जहाँ पे खड़े थे उससे थोड़ा सा नीचे आए और फाइनली थोड़ा सा अच्छा वाला, अच्छा दिखने वाला चाय का बगान मिल गया। पूरा पीछे टी गार्डन है, इस साइड में, इस साइड में। अभी अब मैं कह सकता हूँ कि मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ टी गार्डन से। ये देखिए, मैं हूँ टी गार्डन के अंदर। जो दार्जिलिंग वाले फीलिंग है वो कर्शियंग में आ रहा है अभी। ये देखिए, सब लोग अपने मजे कर रहे हैं और मैं भी। उधर कुछ मंदिर टाइप बना हुआ है, मुझे पता नहीं कि वहां पे जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन मैं शायद नहीं जाऊंगा क्योंकि अलाउ है कि नहीं मुझे पता नहीं है। इसलिए ऊपर वो रहा पूरा कर्शियंग टाउन, बहुत नीचे तक ये पहाड़ जाता है और यहीं पे छोटा सा एक गार्डन टाइप बना हुआ है, ये दिख रहा है। अभी मैं नीचे जाने वाला हूँ,
थोड़ा सा चढ़ाई है, ऊपर के टाइम आने में बहुत कष्ट होगा, लेकिन थ्रिलिंग है ना। अब मेरे पीछे देख ही सकते हो कि मैं कितना ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। बहुत दूर पे सब लोग मजे कर रहे हैं और मैं अलग चीज ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं क्या ढूंढ रहा हूँ लेकिन कुछ अलग। मेरे पीछे वो स्तूपा है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट क्या करो, जाओ जाके एक बार देख के आओ। आप लोग क्या कहते हो? मन में लड्डू फूटा। बहुत सारा मज़ा किया यहाँ पर, आप लोगों ने अभी देखा हमने एक दूसरे की फ़ोटो खींची, एक साथ फ़ोटो खींची, और चाय का बगान पहाड़ में देख के हम लोग को पता नहीं क्या हो जाता है, पागलपन सर पे चढ़ जाता है। और गार्डन का जो रखवाला है उसे वो गार्ड आ गया और बोल रहा है कि मत उतरो ऊपर आ जाओ, बस थोड़ी देर के लिए परमिशन लेके हम लोग पिक्चर विक्चर ले लिए फिर ऊपर। अभी एक दूसरा जगह पे आया हूँ, ये पहाड़ ऊपर से मैं आया हूँ अभी, और उस साइड में था सब लोग और मैं भी था उधर, लेकिन ड्राइवर दादा ने बोला था कि इस साइड में थोड़ा जाओ अच्छा लगेगा। हाँ, पूरा नीचे तक एकदम ढलान वाला जगह है जहाँ पे पूरा असली में असलियत में जैसे कि चाय का बगान उगाता है लोग, फार्मिंग करते हैं जैसे, वैसे जगह हमें देखने के लिए मिला। उस तरफ पहाड़ में भी बहुत सारे चाय के पत्तियों का पेड़ है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा वाला वो पहाड़ और उसके नीचे वाला पहाड़ यहीं पर है और हम लोग जहाँ पे है वहीं पर, बस ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। लेकिन चाय का बगान तो फेमस है दार्जिलिंग का, सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी चाय का वहीं पर होता है। थोड़ी देर मतलब 5 मिनट गाड़ी में बैठे थे और फिर उतर गए। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ कर्शियंग, इसके आगे हमारा स्टेशन, इसे कहते हैं रॉक व्यू पॉइंट, और अभी हम इस जगह पे ही हैं। ये जगह है, ऐसे थोड़ा सा ट्रेल्स बना हुआ है उधर जाने का, वो रहा यहाँ पे दो तीन लड़के दिख रहा है फोटो खींच रहे हैं, वहीं पे जाएंगे। एक्चुअली पहाड़ के ऊपर से पूरा व्यू ही अच्छा लगता है। पर जो घर दिख रहा है उस साइड से हम लोग आ रहे हैं, उधर से आके ये ट्रेल्स पकड़ के नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। दोपहर 2 बज रहे हैं अभी और भूख भी लगी है, तो ये वाला पॉइंट के बाद तो कुछ है नहीं करने को, निकल जाएंगे सीधा, तभी कुछ खाएंगे रास्ते पे। ये जगह आके ऐसा लग रहा है कि किसी जंगल के अंदर में जा रहा हो, जो जंगल ऑलरेडी जल चुका है। पूरा जंगल की रास्ता लग रहा है और ये व्यू भी बहुत अच्छा है, अब देखिए। अरे
आगे तो रास्ता है ही नहीं, क्योंकि उसे नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे तो वो ऊपर जाना है। बाहर से नीचे आते ही हम लोगों को एक रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पे बाहर में हम टाइम कर सकते हैं। यहाँ पे सब लोग बैठेंगे, टोटल 7 पीपल हम लोग हैं, 6 पीपल और ड्राइवर अंकल को लेकर 7 लोग, तो सब लोग यहीं पे बाहर बैठ जाएंगे और खाएंगे। आज क्या खाने वाले? चिकन थाली। इसका प्राइस अभी तक मुझे नहीं पता, बाद में देखेंगे, पहले खा लेते। और बस ये हमारा आखिरी खाना है पहाड़ों पर, इसके बाद सीधा नीचे। तो हमारा लंच ये है, अभी आए हैं दाल सब्जी अचार आलू फ्राई एंड राइस। उधर 4 लोग बैठे हुए हैं, हम लोग इधर 3 लोग हैं, एक टेबल पे नहीं होगा इसलिए। तो अभी थोड़ा खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर इतना कार जर्नी के बाद, मतलब कार पे सफ़र करने के बाद, अभी मैं हूँ सिलीगुड़ी में। हाँ, खाने के बाद सीधा गाड़ी पकड़ा और चले आए। मतलब कैमरे में वीडियो करने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना थकान हो रहा था कि गाड़ी में बैठे और चले आए। फिर भी गाड़ी में बैठे बैठे कुछ आउटसाइड का वीडियो लिया, जो आपने अभी देखा। और अभी हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी के पशुपति मार्केट, जिसे हांगकांग मार्केट भी जाना जाता है। वो लोग कुछ घूमना चाहते हैं, मार्केट में कुछ खरीदना चाहते हैं, और मैं देखना चाहता हूँ मार्केट। बहुत पहले आया था, आज से करीबन 9 साल पहले मैं आया था इधर, तब देखा था। मतलब मार्केट में 9 साल पहले आया था, और 2 साल पहले मैं दार्जिलिंग आया था, लेकिन उस टाइम पे मैं इस मार्केट में नहीं आया था। तो चलिए हमारे साथ ये आखिरी मार्केट भी देख लेते। ये है विधान मार्केट एरिया। आज संडे है इसलिए ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। तो कुछ देर तक हम लोग मार्केट में घूमे, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं इधर आया हूँ और बहुत ज़्यादा भीड़ है। और कोविड का ऐसा कुछ मैटर यहाँ पर भी नहीं है, लोगों के ऊपर मास्क रहना है ना रहना एक आम बात हो चुकी है। मान लो 10 में से 2 लोगों के मुँह पर ही मास्क है, मैंने लगा हुआ था लेकिन बाद में मैं खोल दिया क्या करें, सब लोग नॉर्मल जैसे हो गया, मैं भी नॉर्मल हो रहा हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ,
ये लगेज रख के वो लोग गए कुछ खरीदारी करने के लिए, हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं। मेरा सर दुख रहा है और थोड़ी देर बाद अभी निकल जाएंगे स्टेशन की तरफ। अभी टाइम हो रहा है कितना, 5 बज रहे हैं। 3 घंटे में हमारा ट्रेन है, तो जल्दी जल्दी सामान वामान खरीदेंगे, अपना अपना काम निपट लेंगे, उसके बाद जाएंगे स्टेशन की तरफ। रात का खाना स्टेशन से ले लेंगे, ट्रेन पे खा लेंगे, फिर सुबह उतर जाएंगे। बस और क्या, चलो स्टेशन की तरफ ही चलते हैं। और रुको, उन लोगों को आने दो, थोड़ी देर मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, वो लोग आ जाए फिर स्टेशन की तरफ जाए। फाइनली हम लोग अभी है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में। मेरे पीछे ये न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का एंट्रेंस, और यही वो मॉड्यूलर ट्रेन का एक छोटा सा मिनिएचर वर्शन, इंजन का सॉरी। तो हमारा जर्नी पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी ट्रेन का टाइम जब होगा तब अंदर जाएंगे। अभी 6 बज रहा है, 8 बजे का ट्रेन है, लगभग 7 बजे अंदर चले जाएंगे। अभी 1 घंटे में हम लोग थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, कॉफ़ी अगर मिले तो पीऊँगा, और इसको अगर मिलेगा तो यह भी पिएगा। ए तुझे ब्लॉग में ले रहा हूँ क्या देख रहा है लड़कियों मत दे, इसका शादी होने वाला है जो भी तो हमारा जर्नी बस कंप्लीट होने वाला है। मन में बहुत दुख लेके घर जा रहा हूँ, कितना जल्दी ख़त्म हो गया, मतलब शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया ऐसा लगता है। जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कब जाएंगे कब आएंगे, होटल बुकिंग ट्रेन बुकिंग, तभी सबसे बढ़िया मोमेंट होता है। कंप्लीट हो गया बस ख़त्म, तो बस वही है। अभी थोड़ा सा हम लोग चिल करते हैं, ट्रेन में उठेंगे फिर ब्लॉग पे एंड करेंगे। अभी नहीं एंड करेंगे, अभी तो स्टेशन के अंदर जाना है, ट्रेन पे उठना है फिर एंड करेंगे। आप लोग जुड़े रहेंगे। फाइनली अभी स्टेशन में आ चुके हैं हम लोग, और मेरे पीछे आप ट्रेन देख सकते हो, और रात का खाना भी ले लिया हम लोग। रात के खाने में रोटी सब्जी और अंडा करी है। अभी 7:30 बज रहा है और आधे घंटे के अंदर ट्रेन छूट जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई होम टाउन। हाँ, मैं अभी सियालदा में हूँ, कोलकाता पहुँच गया। 6:10 पर मेरा ट्रेन अराइव कर गया इधर, और अभी लोकल ट्रेन पकड़ने वाला हूँ, ये वाला। इससे मैं दमदम जाऊँगा, दमदम से सीधा घर ऑटो पकड़ के, मतलब पूरा ट्रिप ही ख़त्म कल रात से बोल रहा था कि ट्रिप ख़त्म होने वाला है, पूरा ट्रिप ही ख़त्म हो गया। सबको बाय बोलने का टाइम आ गया, और आज का दिन अभी शुरुआत हुई है, लेकिन काम भी अभी से चालू हो गया। 10 बजे मुझे काम जाना है ऑफिस। बस अगले ट्रिप में फिर से मजा करेंगे। सब लोग इधर बैठे हुए घर जाने के लिए उत्सुक। अच्छा दिन गया ना, 4 दिन जगन्नाथ दा, अच्छा गया आपका? अच्छा। अबुल दा कैसा गया 4 दिन? अच्छा। अनिश दा? बहुत अच्छा। फिर मुलाकात होगी एक दिन फिर।